गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी ऑफिस से आने के बाद अभी टाइम हुआ है प्रैक्टिस का, 6 बजे शाम के। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने ग्राउंड पे, वहाँ अभी प्रैक्टिस करेंगे, सभी प्लेयरों से मिलाता हूँ। और फिलहाल मैं जो दिखा रहा हूँ अभी इस ब्लॉग में, वो है जो यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड पे बच्चे प्रैक्टिस करते थे। पीछे ब्लॉग में मैं दिखाता था ना, सभी जूनियर के, सब जूनियर के बच्चे जो प्रैक्टिस करते थे, उन सभी को दिखाऊंगा। और अभी 2-3 दिन पहले ही वो यूथ के गेम, खेलो इंडिया यूथ के गेम खेल गए थे, स्टेट लेवल के, हरियाणा स्टेट लेवल के गेम खेल गए थे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, एक टीम को हराया भी। और सेकेंड राउंड में जाके पराजित हुई नूह डिस्ट्रिक्ट की टीम। इंडरी से काफ़ी बच्चे, 6 बच्चे सेलेक्ट होके गए थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और सर्टिफिकेट अभी वितरित किए जा रहे हैं कोच साहब के द्वारा, तो वो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। आगामी आने वाले समय में और भी खेल आने वाले हैं बच्चों के, तो सभी को सर्टिफिकेट वितरित किए जा रहे हैं, दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइज, मेरे साथ हैं बास्केटबॉल के कोच साहब। कोच साहब राम राम, कहाँ पे खेल के आए थे ये अभी लास्ट टाइम जो? हरियाणा यूथ गेम हुए थे अपने पंचकुला में। अच्छा अच्छा, अंडर 18 के हुए थे। तो कैसा कैसा प्रदर्शन किया बच्चों ने? बच्चे बहुत बढ़िया खेले वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अभी इनकी बिगिनिंग है, शुरुआत है। हाँ हाँ हाँ, वो भी समय लगेगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, और आगामी खेल आने वाले होंगे और भी? यूथ गेम थे, यूथ स्टेट चैंपियनशिप खेल के आए ये लोग। अच्छा, जींद में। हाँ हाँ, अभी शायद अंडर 19 की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब उम्मीद है आपको जो मेहनत करा रहे हो आप दिन प्रतिदिन की बच्चे निकल सकते हैं आगे? मेहनत कर रहे हो और अच्छा, आगे वाले समय में इंट्री का नाम रोशन करेंगे नूह डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा अच्छा, चलो हमें भी भरोसा है गुरुजी आपकी मेहनत पे। और अभी सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं कोच साहब के द्वारा बच्चों को, स्टेट के गेम खेल के आए थे। बहुत अच्छे भाई, तालियां बजाओ बच्चों, अच्छा प्रदर्शन किया। और भाई शूटिंग वॉलीबॉल के गब्बर सीनियर प्लेयर हैं, वो भी वितरित कर रहे हैं। वेद प्रकाश शूटिंग वॉलीबॉल के बढ़िया प्लेयर हैं, सर्टिफिकेट वितरित कर रहे हैं बच्चों को, तालियां। शाबाश शाबाश शाबाश, देवा द्वारा सर्टिफिकेट वितरित किए जा रहे हैं। राहुल आ जाओ, आओ भी आओ। ये सभी बच्चे सब जूनियर का हरियाणा स्टेट में गेम खेल के आए थे पंचकुला। वाह भाई वाह। और ये प्रैक्टिस में चोट लग गई थी बच्चे को, फिर भी पीछे नहीं हट रहा है, प्रैक्टिस जारी है बच्चे की, बहुत मेहनत की है, तालियां। ये सौम्या, सौम्या को मिल रहा है सर्टिफिकेट, रक्षित को मिल रहा है, मेरे लड़के को, बड़े वाले को। बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया बास्केटबॉल में, सभी को शुभकामनाएं आगामी आने वाले। आ जाओ फोटो खींचता हूँ सभी का, चलो फोटो शूट हो रहा भाई, प्रैक्टिस करेंगे। और आज इस ब्लॉग में मैं जो रामपुर कुंडल में टूर्नामेंट हुआ था उसकी डिटेल बताऊंगा। हाँ तो गाइस, अभी प्रैक्टिस करके मस्त आ गया था घर पे, तो प्रैक्टिस हुई, 2-3 मैच खेले दिन में, बाकी लाइट का प्रबंध नहीं, लाइट नहीं थी आज तो नाइट में नहीं खेल पाए, 2-3 मैच ही लगे दिन में, प्रैक्टिस करके आए मस्त। बाकी इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला था, जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि रामपुर कुंडल टूर्नामेंट की डिटेल के, अभी ये ले रहा था ना, ये हमारे सोनी जी ने रामपुर कुंडल टूर्नामेंट में, सोनी जी रेवाड़ी से जो उन्होंने सम्मान किया था मेरा और दानवीर भाई का, सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी भाइयों का जो कि अच्छे प्लेयरों का, जो कि अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं टूर्नामेंटों में अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को जिताते हैं, उन सभी का सम्मान करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, तो अच्छे खिलाड़ी का हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं रामपुर कुंडल टूर्नामेंट के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं 6 तारीख से, ये जो टूर्नामेंट की डेट रखी गई थी 6 तारीख को रखी गई थी, सभी टीमें रेडी थी जाने के लिए और
4 बजे का टाइम जो दिया गया था सभी टीमों को, 6 तारीख को ये टूर्नामेंट था, 1 लाख जिसमें फर्स्ट इनाम था। तो सभी टीमें रेडी थी, हमारी टीम भी जाने के लिए रेडी थी, दानवीर भाई आ चुके थे। तो फिर लगभग 3 बजे 3:30 बजे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि बारिश के कारण, और वीडियो भी आए, बारिश के कारण पोस्टपोन कर दिया गया टूर्नामेंट और नेक्स्ट डेट बता दी जाएगी जल्दी। तो इस तरह से मैंने भी ब्लॉग में बोला कि पोस्टपोन कर दिया गया टूर्नामेंट बारिश के कारण, और जो नेक्स्ट डेट है बता दी जाएगी, और जो टीमें हैं रास्ते में वो अपना कमेटी से बात कर लें और परेशान ना हो। 13 तारीख को ये टूर्नामेंट हुआ और नियम लागू किए गए कि जो मेरा और दानवीर का अलग से टीम में खेलेंगे, जयपुर टीम में नहीं खेलेंगे, ऐसा नियम था। बाकी अपना सेट लेके आना है ओपन का, ऐसा नियम था, जो कि काफ़ी डिबेट हुई व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, काफ़ी मैं मैसेज पढ़ नहीं पाया सभी। बाकी जो 13 तारीख के सुबह के मैसेज हैं वो मैंने पढ़े हैं, कमल भाई ने भी मैसेज किए हुए हैं काफ़ी, और जो कमेटी की तरफ से भी, और सभी भाइयों ने मैसेज किए हुए हैं इसी नियम को लेके कि जो दानवीर और प्रेम जयपुर टीम में नहीं खेल सकते, अपना सेट लेके आए ओपन का, जो भी है वो ये मैटर था। बाकी 6 तारीख को ये बिल्कुल भी नहीं था, हम जयपुर में ही खेलने जा रहे थे 4 बजे तक। तो ऐसा क्या हुआ जो कि नियम एकदम से चेंज कर दिए गए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ एक खिलाड़ी होने के नाते, और कि जो भी नियम आप लागू करो, कमेटी जो भी लागू करे वो पहले ही सुनिश्चित कर ले, कन्फ्यूजन में ना रहे, एट ए टाइम बदले ना उन नियमों को, या तो एक हफ्ते पहले ही सुनिश्चित कर ले कि ये नियम है, इसके तहत ही टूर्नामेंट होगा, एट ए टाइम कोई भी बदलाव ना करें नियमों में, ये होना चाहिए कमेटी का, ताकि खिलाड़ी अपने मुताबिक सेट, नियमों के मुताबिक सेट बना सके और खेल के आ सके। एट ए टाइम नियम चेंज किए गए, 13 तारीख को भी 11 बजे तक सुबह यही बातें चलती रही, बहस चलती रही, उसके बाद एट ए टाइम बताया गया कि नहीं खेल पाओगे, इस तरह से सेट में अपना ही सेट लेके आना है। तो एट ए टाइम टीम ना तो गठित होती है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बड़े टूर्नामेंट में ओपन सेट को संगठित करना, टीम बना के खेल के आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है सभी खिलाड़ियों के लिए। तो सबसे पहले तो ये नियम जो होते हैं पहले से ही सुनिश्चित कर ले, और जो ये नियम लगा रखा गया था इस टूर्नामेंट में, लगभग 4-5 साल पहले ये नियम चले थे कि सेंटरों के नाम लिख दो सभी के, और जो भी टीम है इस तरह से आएंगी सेट में। तो उस दौरान भी काफ़ी विवाद होता था टूर्नामेंटों में कि उसका नाम लिख दिया उसमें, बहुत सारी विवाद होते थे, डिबेट होती थी व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे इस टूर्नामेंट में हुई। तो वो 2-4-10 टूर्नामेंट हुए थे, उसके बाद बंद हो गए थे बिल्कुल ही, क्योंकि इससे कोई भी संतुष्ट नहीं होता इस नियम से, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। यदि कोई अपने बेनिफिट के लिए ये करना चाहता है कि मैं जीत जाऊंगा इस टूर्नामेंट को, ऐसा करना चाहता है तो वो आप उसकी भूल है, अपने गेम पे थोड़ा फोकस करें, इन चीज़ों को छोड़ के आप जरूर कामयाब होंगे और आप जीतेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से और आयोजककर्ताओं से, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होंगे इन नियमों में ना फंसें, सिंपल जो नियम चल रहे हैं, ओपन मतलब ओपन, कोई कहीं से भी खेलो ओपन में, और जो 4-5-2 का फॉर्मेट है वो 5-2 का फॉर्मेट रखो, पंचायती रखो, बाकी नियमों में उलझ जाते हैं। इसी तरह प्योर शूटिंग था, जो 2010 से पहले हम प्योर शूटिंग ही खेलते थे, 2003-04 से मैंने स्टार्ट किया था, दानवीर भाई भी पहले से खेलते थे, तो प्योर शूटिंग खेला हमने 8-10 साल 2011 तक। तो प्योर शूटिंग क्यों कम हो गया, गेम टूर्नामेंट क्यों कम हो गए, उसमें नियम बहुत ज़्यादा थे और रेफरी पे डिपेंड होता था, वो किसी भी टीम पे रेफरी के द्वारा, मतलब रेफरी सही नहीं लेने था, परंतु
नियम इतने ज्यादा थे कि रेफरी कोई भी निर्णय लेता था तो उससे गेम नहीं चल पाता था, तो इसी से परेशान होके वो कम हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया उस गेम में और टूर्नामेंट होने बिल्कुल ही बंद हो गई। तो नियम निश्चित होने चाहिए और ये नए नए नियम नहीं लाने चाहिए हर एक टूर्नामेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से जो आगामी टूर्नामेंट आने वाले हैं उनमें ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाए। मेरा जो ओपिनियन है, किसी एक व्यक्ति के को नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी खिलाड़ियों की जिम्मेवारी है जो खेल है उसको सही से कराया जाए, सही नियम लागू किया जाए। ओपन मतलब ओपन, पंचायती मतलब पंचायती, 5-2 इस तरह से फॉर्मेट जो चले आ रहे हैं वैसे ही लागू किया जाए तो अच्छा रहता है। तो भाइयों इस व्लॉग में मुझे यही कहना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जो भी आयोजक करता है खिलाड़ी हैं मेरी बातों को समझेंगे और जो नियम है जो भी चलते आ रहे हैं टूर्नामेंट में वही लागू करेंगे तो सभी के लिए अच्छा होता है। और चैनल से जुड़े, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगा, अभी 2-3 टूर्नामेंट है इस वीकेंड में, तो हमारी इंडरी टीम कौन से टूर्नामेंट में जाएगी वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा और कहाँ जाना है वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन प्लेयर जाने हैं वो सब कुछ कल के ब्लॉग में बात करेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राम राम सभी भाइयों को।